म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड. तो लेट अस सपोज आपके पास दो लॉन्ग सोलेनॉइड हैं, ये रे, और हमने बहुत बढ़िया तरीके से ओरिएंटेशन कर रखी है. ये आपस में इंसुलेटेड हैं सच दैट इनका करंट एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होगा, इंसुलेशन है. तो एक में ब्लैक वाली वायर में मैंने करंट सेंड किया, चेंजिंग करंट, और इसमें मैंने सेंड नहीं किया था, तो इसमें अपने आप इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो गई. उल्टा भी ट्रू है, अगर मैंने करंट इसमें सेंड किया, इसमें नहीं सेंड किया, तो इसमें अपने आप इंड्यूस करंट पैदा हो जाएगा. तो कहने का मतलब कि एक में सेंड करना है, दूसरे को नहीं छेड़ना आपने, ठीक. और मैं क्या निकालना चाहता हूँ, कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी कि कैपिटल एम की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहता हूँ. तो इमेजिन करो आपने दो इंडक्टर्स को लिया, इन दोनों की लेंथ आपने सेम ली एल, एक छोटा है, एक ये जो रेड वाला है वो छोटा है, आर वन रेडियस का है, ब्लैक वाला बड़े रेडियस का है, आर टू रेडियस का है. एक छोटा लिया, एक बड़ा ले लिया, ठीक. अब एल लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड है, आर वन आर टू रेडियाई है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इनर सोलेनॉइड है, और इनर सोलेनॉइड जो है वो छोटा सोलेनॉइड है, छोटा सोलेनॉइड है जिसका रेडियस आर वन है, ठीक. तो बड़े और छोटे में से हम छोटे का एरिया लेते हैं क्योंकि वो कॉमन एरिया होता है, म्यूचुअल इंडक्शन कॉमन पोर्शन की निकलती है, ठीक. अदरवाइज बड़े वाला कॉइल तो कितना भी बड़ा होगा उससे फर्क नहीं पड़ रहा, तो कॉमन एरिया लेना है तो छोटे वाला एरिया जान के लिए. तो इसके अंदर n1 n2 नंबर ऑफ टर्न्स हैं दोनों सोलेनॉइड के. अब हम इमेजिन करते हैं कि मैंने s2 ब्लैक वाली वायर में करंट पास किया, i2 मैंने रेड में नहीं पास किया, मैंने ब्लैक में पास किया. तो मैंने s2 वाली कॉइल में i2 पास किया, ये बाद में ये यूज़ नहीं करेंगे, इसको छोड़ दो, ठीक है. तो मैंने रेड कलर की वायर में कुछ नहीं यूज़ किया. अब b2, अब मैंने करंट कितना पास किया, i2, तो इसके एक्सिस पे क्या जनरेट हो जाएगा, b2. b2 का फॉर्मूला क्या होगा, म्यू नॉट n2 i2, क्योंकि b का फॉर्मूला सोलेनॉइड में क्या होता है, म्यू नॉट n i, म्यू नॉट n i. तो क्योंकि ये i2 वाली कॉइल है, ब्लैक वाली कॉइल है, तो इसमें b जनरेट होगा, और n2 इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ s2, ठीक है. तो मैंने ब्लैक कलर की कॉइल में, s2 कॉइल में करंट i2 सेंड किया, तो उसने b2 जनरेट कर दिया. अब बात करते हैं रेड कलर की कॉइल की. रेड कलर की कॉइल तो आराम कर रही थी, कुछ नहीं था उसमें. रेड कलर की कॉइल का फ्लक्स चेंज हो गया, क्यों, क्योंकि रेड कलर की कॉइल ने वो b मिल गया, किसका b मिल गया, ब्लैक कलर की कॉइल का. तो मैंने कलर भी चेंज कर दिया पेन का, देखो. तो रेड कलर की कॉइल का फ्लक्स क्या है, फाइव वन, ठीक है, ये जनरेट हो गया. और कैसे जनरेट हुआ, इसने b किसका यूज़ कर लिया, ब्लैक कॉइल का b2, और एरिया अपना ही यूज़ कर लिया, नंबर ऑफ टर्न्स भी अपने यूज़ कर लिए, क्योंकि b इंटू एरिया फ्लक्स है और नंबर ऑफ टर्न्स से मल्टीप्लाई कर दिया. तो जो रेड कलर की कॉइल है उसने सिर्फ b यूज़ किया पड़ोस की कॉइल का, बाकी सारी टर्म्स उसकी अपनी है. तो रेड कलर की कॉइल का टोटल फ्लक्स की वैल्यू आ गई, और जो b2 है उसका फॉर्मूला क्या आएगा, म्यू नॉट n2 i2. तो ये टर्म आ गई क्वेश्चन नंबर वन. अब ये एक तरीका है फ्लक्स कैलकुलेट करने का. फ्लक्स कैलकुलेट करने का एक और तरीका है, क्या तरीका है, m इंटू आई. जब भी आप फॉर्मूला यूज़ करते हैं एम आई, इसमें जो फ्लक्स होता है ये टोटल फ्लक्स होता है सोलेनॉइड का, इसको नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है. जब ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है ऑटोमेटिकली ये पूरे सोलेनॉइड का फ्लक्स देता है. तो ये जो फ्लक्स होगा रेड कलर की कॉइल का, वो आई टू यानी कि ब्लैक कलर के करंट के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि करंट फर्स्ट कॉइल का है और फ्लक्स सेकेंड कॉइल का है. तो ये स्टेप भी क्लियर है. तो फ्लक्स हमने ऐसे भी निकाला और ऐसे भी निकाला, दोनों को इक्वेट कर लिया, I2 I2 कैंसल. तो हमारे पास क्या टर्म आ गई, हमारे पास सॉल्व करके ये आ गया. और N2 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सेकेंड कॉइल. तो ये फॉर्मूला बन गया M का. तो कैपिटल M म्यूचुअल इंडक्टेंस या कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला, म्यू नॉट N1 N2 L by A by L, इसे फॉर्मूला बुकलेट में नोट करें, कैपिटल M का फॉर्मूला. ठीक है यहाँ तक.
तो ये टर्म आ गई। अब इसका उल्टा भी करके देखते हैं, यहाँ तक सफिशियंट है, अगर आपके पेपर में आता है यहाँ तक छोड़ दें आगे आंसर। लेकिन कोई कहता है कि ज़रूरी थोड़ी ना है कि आपने करंट इसी में पास करना है, ये भी तो हो सकता था कि आपने करंट रेड में पास किया, इसमें कुछ नहीं पास किया, तब आंसर क्या होगा। चलो उल्टा करके देखते हैं, मान लो इस बार करंट आई वन पास किया एस वन में, एस टू में कुछ नहीं पास किया, तो अगर करंट सेकेंड केस में आई वन पास किया तो उसने बी वन जनरेट किया, बी वन में एन वन का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब फ्लक्स किसका चेंज हुआ, सेकेंड कॉइल का, ब्लैक कलर की कॉइल का, कितना फाई टू। उसने बी किसका यूज किया, फर्स्ट कॉइल का पी वन, एरिया भी अपना और एन टू भी अपना, राइट। और एरिया मैंने बताया था, एरिया का क्या कॉन्सेप्ट बताया आपने, छोटा एरिया लेना है, कॉमन एरिया लेना है, चाहे दोनों केस हैं। तो इस केस में बी वन की वैल्यू पुट की तो ये फ्लक्स आया पहले तरीके से किसका, फाई टू, ब्लैक कॉइल का। लेकिन फ्लक्स कैलकुलेट करने का ये भी तो तरीका है कि आई वन करंट आपने पास किया, फ्लक्स सेकेंड का चेंज हो गया, तो ये भी तो टोटल फ्लक्स दे रहा है। इन दोनों को इक्वेट करके आई वन कैंसिल और नंबर ऑफ टर्न्स को क्या लिखेंगे पर यूनिट लेंथ को, एन वन बाई एल। तो आंसर इसमें भी एग्जैक्टली क्या आएगा, सेम आएगा। मतलब आप पेपर में दो कॉइल्स हैं, चाहे फर्स्ट कॉइल में करंट पास करें चाहे दूसरे कॉइल में करंट पास करें, आपका कैपिटल एम एग्जैक्टली क्या आएगा, सेम आएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक। एरिया का क्या कॉन्सेप्ट बताया, एक बड़ा कॉइल का एरिया होगा एक छोटा होगा, आपने छोटा एरिया लेना है, न्यूमेरिकल्स के अंदर भी आपने छोटा एरिया लेना है, बड़ा नहीं लेना। क्लियर है यहाँ तक। तो इसमें कैपिटल एम निकालने का ये फॉर्मूला नोट करें, और ऐसा भी हो सकता है कि आप इसमें इस फॉर्मूले को एल से मल्टीप्लाई और एल से डिवाइड कर लें, ताकि ये आपके पास आ जाए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ फर्स्ट कॉइल का, और ये आपके पास आ जाए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ सेकेंड कॉइल का। तो ये भी, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है, और इसमें एरिया का मतलब है पाई आर वन स्क्वायर। मैंने बताया था छोटा वाला एरिया लेना है, पाई आर वन स्क्वायर, पाई आर टू स्क्वायर नहीं लेना। हमेशा न्यूमेरिकल में एक बड़ा एरिया होगा एक छोटा होगा, आपने न्यूमेरिकल में छोटा एरिया लेके ही सॉल्व करना है। ठीक, क्लियर है। तो कैपिटल एम इसके इक्वल है, तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है कैपिटल एम, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। सबसे पहले वो डिपेंडेंट है नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर, फिर वो डिपेंडेंट है एरिया के ऊपर, एरिया बड़ा होगा तो कैपिटल एम भी बड़ा होगा, फिर वो डिपेंडेंट है रिलेटिव सेपरेशन पे, आपकी जो कॉइल्स हैं वो एक दूसरे में बिल्कुल इंटरमिक्स हैं तो कैपिटल एम बहुत बड़ा आएगा, अगर ये दूर दूर होंगी तो कैपिटल कम आएगा, और अगर बहुत दूर होंगी तो कैपिटल एम जीरो आएगा। तो ये कैसे पड़ी हुई हैं, आमने सामने पड़ी हैं, परपेंडिकुलर पड़ी हैं, दूर पड़ी हैं, पास पड़ी हैं, तो कैसे पड़ी हैं, इसके ऊपर भी कैपिटल एम डिपेंड करते हैं। रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल बता दिया, हमने जितने न्यूमेरिकल करने हैं वो इस ओरिएंटेशन पे करने हैं ताकि एकदम बेस्ट केस बने। लेकिन ओरिएंटेशन ऐसे भी हो सकती है, इसमें कैपिटल एम हो सकता है जीरो आ जाए या बहुत कम आए, क्योंकि इसमें कैपिटल एम में जो बी है वो यूज़ नहीं हो पा रहा है एक दूसरे का। क्लियर है यहाँ तक, ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ तक क्लियर है।